मैं ना आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये जो आपको टॉप राइट पर नजर आ रहे हैं, ये नुमान है। ये मेरी टीम में काम करते हैं। नुमान, आप अपना हैंड रेस कर दें। यस, ये ही इज नुमान। ही इज एन एथिकल हैकर, ही इज अ पेन टेस्टर, ही इज अ बग हंटर, और ये माशाल्लाह काफी स्किलफुल है। ये हमारी टीम में काम करते हैं। और ये अब आपको ना कोर्स की अगली स्टेजेस एक्सप्लेन करेंगे। और मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आपने सवाल ज़रूर पूछने, और जो चीज़ समझना है सवाल, जो जहन में सवाल है पूछना है, ठीक है? और कौशल, तो ये खौफ नहीं करना कि मेरे सवाल मेरा क्या होगा। तो हमने इस सेशन को आप लोगों का एक एक सेकंड फायदे के लिए बनाना है, इसलिए सवाल करते हुए घबराना नहीं है, ठीक है ना? वो तो खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, तो सवाल करते हुए आपने घबराना नहीं है, ठीक है? तो अभी आपको मैं लाइक आई विल स्विच ओवर टू नुमान। नुमान विल टेक ओवर द सेशन। ही विल बी टेलिंग यू द नेक्स्ट स्टेजेस। ही विल बी टेलिंग यू व्हाट आर द बग्स इन द वेब एप्लीकेशन, व्हाट आर द वल्नरेबिलिटीज इन द वेब एप्लीकेशन, व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन। बट आपने ये अभी ये नहीं समझना कि मसला क्या है, बीमारी क्या है, डिटेल में नहीं पढ़ना। आप देखिए बीमारी का नुकसान क्या हो रहा है, नाम क्या है, नुकसान क्या है, नाम क्या है, नुकसान क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे उसको अभी अभी सिर्फ आप ये समझें कि इसका बीमारियों का नाम क्या होता है और नुकसान क्या होता है। मैं आखिर में आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताएंगे आपको कौन कौन से नाम याद हो गए, ठीक है, और उनका नुकसान क्या क्या था उन बीमारियों का, जिसको कि टेक्निकल जबान में वल्नरेबिलिटीज भी कहते हैं, सिक्योरिटी बग्स भी कहते हैं, बग्स भी कहते हैं, कुछ भी आप कह दें, बट आसान जबान में, हमारी देसी जबान में उनको वेबसाइट्स की बीमारियाँ कह सकते हैं, ठीक हो गया? तो नुमान, अब आप यहाँ से अपनी स्लाइड शेयर करें और आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी, मेरा नाम मोहम्मद नुमान अजीम है और मैं सर के साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ और बहुत से कुछ मैंने सर के साथ सीखा। और चलिए, इस सेशन के अंदर मैं आपको कुछ सिखाऊंगा कि जो अभी तक मैंने सीखा वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो सर काइंडली मुझे बता दें, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सर जी, वैसे बेसिक बेसिक तो जो स्लाइड में स्टार्ट से आपको बताना था वो बता चुके हैं, बट चले फिर एक दफ़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे अच्छा, सबसे पहले वेब एप्लीकेशन क्या होती है? वेब एप्लीकेशन आपने ऐसे डेफिनेशंस पे नहीं जाना, ये तो मैंने आप लोगों के लिए फिर एक छोटी सी एग्जांपल रख दी है। वेब एप्लीकेशन ऐसी कोई भी एप्लीकेशन, वेबसाइट जो होती है वो कहीं किसी सर्वर पर रन हो रही होती है, आप उसको वेब एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है? वेब एप्लीकेशन जो होती है ना आपकी, उसमें दो पार्ट्स होते हैं आपके। एक होता है आपका सर्वर वाला पार्ट होता है, एक होता है क्लाइंट होता है, ठीक है? सर्वर जो होता है ना आपका, वो वेब एप्लीकेशन आपकी सर्वर पे रन हो रही होती है, ठीक है? सर्वर भी एक कोई कंप्यूटर होता है जो किसी डाटा सेंटर में, यानी किसी भी बहुत कोई बड़ा वेयर हाउस होगा, वहाँ पे ज़्यादा सारे कंप्यूटर्स पड़े होंगे, उसमें से किसी पे आपकी वेबसाइट रन हो रही होगी, ठीक है? आप उनको पे करते हैं तो वो आपकी वेबसाइट इधर ऐड कर लेते हैं और फिर आप और वेब के ज़रिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओवर द वर्ल्ड आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जो सर्वर होता है ये आम पीसी, जैसे आप सबके पास लैपटॉप होगा, पीसी होगा, तो उसकी तरह वैसे एक सर्वर ही होता है, बस उसके अंदर रैम काफ़ी ज़्यादा होती है और उसके स्पेक्स काफ़ी हाई होते हैं और उस पर कुछ नहीं होता, बस ये आपके कंप्यूटर की तरह एक कंप्यूटर ही होता है, ठीक है? और क्लाइंट जो होते हैं वो आप होते हैं, जो आप उसको क्या कहते हैं, जो बंदा उस वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहा है, जो भी उसको एक्सेस कर रहा है वो क्लाइंट होता है। अच्छा, तो अभी अगली बात आती है कि हम इसको एक्सेस किस तरह करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये समझे आपके वेब सर्वर्स हैं, ये फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जीमेल हो गया। सबसे पहले जब भी आप अपने ब्राउज़र खोलते हैं और उसके अंदर आप लिखते हैं ना, एक सेकंड मैं आपको शो करूँगा, होस्ट होती है किसी सर्वर के ऊपर वेबसाइट, तो वो आपका ना वेब सर्वर होता है, ठीक है ना? इस ये होता किस तरह है कि सबसे पहले आपके जो क्लाइंट होता है ना वो एक रिलेट है ना, जैसे कि आप किसी से आपने कोई चीज़ लेनी हो तो आप रिक्वेस्ट करते हैं ना उनसे कि काइंडली आप ये चीज़ पकड़ा दें या ये चीज़ पास कर दें। तो इसी तरह आपने जब एक वेबसाइट ओपन करते हैं, जब आप उसका एड्रेस ओपन करते हैं, तो आप ना उस सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे ये वाली वेबसाइट चाहिए या ये वाला पेज चाहिए, ठीक है ना? तो आप जब रिक्वेस्ट करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट के रिस्पांस में आपको वो पेज मिलता है, ठीक है ना? तो ये आपका बेसिक होता है कि एक जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट करता है और वो जो वेब सर्वर होता है वो रिस्पॉन्स में आपको वो चीज़ देता है अगर उसके पास हो, ठीक है?
ये बात सबको समझ आई? जी सर, यस सर। तो अभी हमारे ये हमारे इसको क्या कहते हैं, क्लाइंट हो गया और ये सर्वर हो गया। इसी तरह आप कोई भी और वेबसाइट खोल ले तो उसका एक क्लाइंट, आप क्लाइंट होते हैं और जो जहाँ से आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो सर्वर होता है। आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं और वो आपको रिस्पांस में वो पेज दिखा देता है, ठीक है। तो ये क्लाइंट और रिक्वेस्ट और ये रिस्पांस होता है। आगे जाके हम देखेंगे इस कोर्स के एंड में तक, आप अपने एक सिंपल सी वेबसाइट बनाएंगे भी और हम उसको क्या कहते हैं उसके ऊपर हम उसको एक वेब सर्वर पर होस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो ये हम आगे जाके सब देखेंगे। तो हम फिलहाल आगे चलते हैं, अगली लेक्चर्स में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले बग हंटिंग का आगे आता है। तो बग हंटिंग सर ने बता दिया था कि ये एक प्रोग्राम होता है, कोई ये एक बाउंटी होती है कि जैसे ना बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वो उनका मैं आगे आपको बताता हूँ, उस पे जाके ना हैकर्स भी रजिस्टर करते हैं अपने आप को और बहुत सारी कंपनियाँ भी रजिस्टर करती हैं अपने आप को। तो जो कंपनियाँ होती हैं वो कहती है कि हमारी ये वाली वेबसाइट है तो इस पे से कोई जो बग या कोई वल्नरेबिलिटी, जैसे सर ने वल्नरेबिलिटी अभी आपको बताई है क्या चीज़ होती है, तो वो कोई फाइंड करके रिपोर्ट करेगा तो उसको उसके ऊपर बाउंटी मिलती है, यानी उसके ऊपर उसको रिवॉर्ड मिलता है, पैसे मिलते हैं। तो इस तरह अपने पाकिस्तान में भी बहुत सारे बग बाउंटी हंटर्स हैं, तो उन्होंने काफ़ी कमाया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में की वेबसाइट्स में से उन्होंने बग्स निकाले, वल्नरेबिलिटीज निकाली हैं, तो काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। तो अभी स्टार्ट में हमें ना बिल्कुल स्टार्ट में ये करने के लिए आपको टूल्स के ऊपर रिलाय नहीं करना होता है, ये इनसे आपको सबसे पहले आपको अपनी ना बेसिक समझनी होता है कि आप क्या किस चीज़ को हैक करने जा रहे हैं, किस चीज़ के अंदर आप बग फाइंड करने जा रहे हैं, उस चीज़ का आपको पता हो कि वो वर्क किस तरह करती है, ठीक है ना। तो उसको अगर आप समझेंगे तो तब आप इस पर कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर इधर उधर टक्कर ही मारेंगे। तो सबसे पहले आपको सबसे पता होना चाहिए कि वेबसाइट होती क्या है, वेब एप्लीकेशन क्या होती है, किस तरह बनी होती है। तो अगर आपको ये सब पता होगा तो फिर आप उसमें से बग भी निकाल सकते हैं। तो ये बग बाउंटी हंटिंग के कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हैकरवन हो गया, बग क्राउड हो गया, इंटेग्रिटी हो गया, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो गया, गूगल, ये प्राइवेट प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं अपने, तो बट आप उसको क्या कहते हैं, ये कुछ वेबसाइट हैं जो काफ़ी रिनाउंड वेबसाइट्स हैं, जैसे कि हैकरवन, बग क्राउड, इंटेग्रिटी। आगे देख लेते हैं, जैसे ये हैकरवन आप वेबसाइट पे जाएंगे ना तो ये आपके साथ स्लाइड शेयर हो जाएंगी, यहाँ पे नीचे ना इन वेबसाइट की लिंक भी है, ठीक है। तो ये हैकरवन हो गई, आगे आप जाएं तो ये बग क्राउड हो गई, ठीक है, बग क्राउड भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, हैकरवन बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप इधर भी जा सकते हैं। आपको रजिस्टर करना पड़ता है, जैसे साइन अप आप फेसबुक और दूसरी वेबसाइट्स पे करते हैं, इधर भी आप आके वेबसाइट पे साइन अप करते हैं, ये इंटेग्रिटी हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे आप आके साइन अप करते हैं, ठीक है। तो बग वल्नरेबिलिटीज क्या होती है आगे हम ये देखते हैं, ठीक है। बग वल्नरेबिलिटीज जैसे सर ने इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल लीगल है हैकिंग, अच्छा तो अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपके पास। जी सर आ रही है। बग्स वल्नरेबिलिटीज पे तो हमने बात कर ली, कंडी इसके ऊपर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। नो सर। अच्छा चले हम आगे चलते हैं। इसी तरह ही ना हमारे पास होती है मिसकॉन्फ़िगरेशंस। तो मिसकॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है, ये ऑलरेडी हमारे पास जैसे कोई बग कोई वेबसाइट है उसका कोई फीचर है, ठीक है ना, ये उसको हमने सही तरह कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, इसको हमने सही तरह जो ऑप्शंस अपने सिक्योरिटी के लिहाज से रखने चाहिए थे वो नहीं रखे हुए, तो हम उनको कहते हैं मिसकॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है ना। ये एज सच अपने हम आगे देखते हैं कि वल्नरेबिलिटीज और मिसकॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क क्या है, ठीक है। जो वल्नरेबिलिटीज होती है ना, ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट होता है, ठीक है, हमने एक जो प्रोग्रामर जो ये वेबसाइट भी प्रोग्रामर ही बनाते हैं, तो जिसने वेबसाइट बनाई होती है प्रोग्रामर, उसने उसको कोड इस तरह किया होता है कि उसके अंदर ना वो इशू होता है, वो वल्नरेबिलिटी होती है, ठीक है ना, वो बग होता है। तो ये आपका ना
बग के ये आपका कोड के अंदर इशू होता है, तो मगर मिसकॉन्फ़िगरेशन जो होती है ये आपका एसएच कोड का इशू नहीं होता। यू प्रोग्रामर ने आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें से आपने अगर सही सिक्योरिटी के लिए सही ऑप्शन नहीं रखा हुआ तो उसकी वजह से आपकी ये इशू क्रिएट हो सकता है, तो हम इसको मिसकॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसमें किसी का कोई इशू है? एक दो चीज़ें ऐड कर देता हूँ मेरे ख्याल है। अभी चलो मैं खुद पहले मैं अदील से सवाल पूछने लगा था लेकिन मैं चले मैं खुद बता देता हूँ। इसमें देखिए मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी में आसान जबान में जो फ़र्क है ना, आसान जबान में वो ये है, एक गाड़ी आपके पास खड़ी है, ठीक हो गया, गाड़ी के लॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो दो मुख्तलिफ चाबियों से खुल जाता है, तो ये तो वल्नरेबिलिटी हो गई। लेकिन अगर अदील भाई ने अपनी मतलब गाड़ी को मतलब क्या मिसाल दें कि अगर उसको लॉक ही नहीं किया, समझ रहे हैं, गाड़ी आप ओपन ही छोड़ के आ गए, गाड़ी चोरी हो गई, तो ये आपकी मिसकॉन्फ़िगरेशन है। तो मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी में ये फ़र्क होता है। वल्नरेबिलिटी बीमारी होती है जो बंदे के मतलब जो इनके वेबसाइट्स के अंदर होती है, लेकिन मिसकॉन्फ़िगरेशन ये होता है कुछ सेटिंग्स होती हैं जो उन्होंने कन्फिगर नहीं की होती। मोबाइल की एप्लीकेशन, मोबाइल आपने ले लिया, मोबाइल का लॉक नहीं लगाया, मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल गुम गया, तो मोबाइल में से चीज़ें जाएंगी। मोबाइल वालों ने तो आपको लॉक दिया है, ठीक है, लेकिन अदील डरता ही नहीं है, वो कहता है जी मुझे तो खौफ ही नहीं है, वो कहता है मैं तो गिर जाए तो गिर जाए, तो जब मोबाइल गिर जाएगा तो वह चीज़ें तो आपकी जाएंगी क्योंकि आपने पासवर्ड नहीं लगाया हुआ, तो ये हो गई मिसकन्फिगरेशन। इसी तरह वेब एप्लीकेशन है, टेक्निकल एग्जाम्पल्स आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगी लेकिन मोटी आसान जबान में ये फ़र्क है, ये होती है मिसकन्फिगरेशन, ये एक होती है वल्नरेबिलिटी, ठीक है। वल्नरेबिलिटी बग्स ये एक ही चीज़ है और मिसकन्फिगरेशन एक और चीज़ है, ठीक है। तो अगर गाड़ी में लॉक नहीं लगाया, मोबाइल में लॉक नहीं लगाया और घूम गया अदील, तो उसको क्या बोलेंगे, मिसकन्फिगरेशन। एंड नोकिया पे नहीं डालना, सैमसंग पे नहीं डालना, एप्पल पे नहीं डालना, ठीक है, ये अपने पे डालना, ये मिसकन्फिगरेशन। तो सर जैसे कि बहुत अच्छी एग्जांपल से समझाया, बता दिया कि वल्नरेबिलिटी और मिसकॉन्फ़िगरेशन में क्या फ़र्क होता है, तो हम इसे आगे चलते हैं। तो हम वेब की वल्नरेबिलिटीज़, वेब के क्या क्या मसले होते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ वेब एप्लीकेशन या कोई भी वेबसाइट होगी तो उसके अंदर क्या क्या इशू हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे इशू हो सकते हैं इसके अंदर, बट वो जो कॉमन है ना वो मैंने इसको क्या कहते हैं यहाँ पर लिस्ट ऑन है, तो वो हम देखते हैं। एक होता है हमारे पास SQL इंजेक्शन, ठीक है, ये आपके डेटाबेस वेबसाइट के साथ लगी होती है, डेटाबेस होती है जहाँ पे आपका ना सारा डाटा, यानी आप जहाँ पे भी जब भी एक वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ पे आप साइन इन करते हैं, आप इतना सारा अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपकी कहीं तो स्टोर होती होगी ना उनके पास, ठीक है ना, जो जिस चीज़ में वो स्टोर होती है ना हम उसको कहते हैं डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस ये एक वल्नरेबिलिटी है कि इससे हम ना उस डेटाबेस से डाटा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी एक मसला है, ये भी हम आगे देखेंगे आगे उसमें जब जाएंगे। एक होता है XML एक्सटर्नल एंटिटी, डायरेक्टेड ट्रेवर्सल हो गया, फाइल इंक्लूजन, कमांड इंजेक्शन, इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, आपकी वल्नरेबिलिटीज होती है वेबसाइट्स के अंदर। तो ये कुछ है जिनके अभी सिर्फ नाम बताया है, तो आगे जाके हम उनको जब अगले लेवल्स पे जाएंगे तो हम उनको डिटेल में देखेंगे। तो ये तो हमने वल्नरेबिलिटीज देखी थी, ये मिसकॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो जैसे कि आपका वीक पासवर्ड रख दिया आपने, या आपकी कुछ वेबसाइट होती है कुछ ऐसे, जैसे आपका राउटर होता है उसका आपने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ही रखा हुआ है, आपने उसका पासवर्ड नहीं चेंज किया, या पासवर्ड आपने रखा हुआ ही नहीं है, ठीक है, या आपने जो सॉफ्टवेयर है उसको आपने सही तरह अपडेट नहीं किया हुआ, ठीक है ना, आउटडेटेड आपका सॉफ्टवेयर है, या आपकी कुछ ना मिसकॉन्फ़िगरेशंस होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आगे हमारे पास ये डायरेक्टेड ट्रैवर्सल भी, मैंने कुछ आपके लिए स्क्रीनशॉट्स लिए थे, इनको भी हम जल्दी जल्दी इनका डेमो भी एक छोटा छोटा लेंगे, बट फिलहाल जो है अब हम चलते हैं। जैसे कि ये डायरेक्टेड ट्रैवर्सल होगी, ये आपकी SQL इंजेक्शन का एक छोटा सा डेमो है, ये भी हम देखेंगे, फाइल इंक्लूजन होगी आगे, उसके बाद कमांड इंजेक्शन है, फाइल अपलोड का भी एक इशू होता है, उसके बाद क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, और फिर हम पासवर्ड ट्रैकिंग का भी हम एक छोटा सा डेमो देखते हैं। तो
मैं अब जल्दी से आप लोगों को डेमो दिखाता हूँ। तो आगे हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब बात करेंगे तो उसमें हम आप मैं बताऊंगा कि फिलहाल करेंटली मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर किसी को इसके बारे में पता है तो काफ़ी अच्छा है, हम आगे देखेंगे भी इसके बारे में। अभी मैं आपको डेमोज दिखाऊंगा कुछ। ये तो हमारे पास एक होस्टेड एक छोटी सी वेबसाइट एक हुआ है जिसके ऊपर फिलहाल हम डेमो करके दिखा रहे हैं, बट अगर आप इनको सही से समझ लेते हैं अगले सेशंस के अंदर अगले लेवल्स के अंदर आपको इन सारी वर्नेबिलिटीज के बारे में बताया जाएगा। अगर आप ये वर्नेबिलिटीज सही से देख लेते हैं तो फिर आगे आप प्रोडक्शन में जो वेबसाइट्स चल रही होती हैं उनके अंदर भी आप ये वेब इशू निकाल सकते हैं। तो अच्छा, मेरी स्क्रीन पे आपको क्या नजर आ रही है? मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? इमान भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? किस तरह आ रही नजर? यस सर। आप लोगों को क्या नजर आ रहा है सर? एक आपने कोई लिखा है जो टैब ओपन हुआ है वो लिनक्स है, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है वार्निंग नेवर एक्सपोज दिस वीएम करके कुछ लिखा है। जी तो अभी मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। वैसे सबसे पहले हम देखते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में, ठीक है? ये एक वल्नरेबिलिटी होती है कि समझे हमारे एक वेबसाइट है हम उसके अंदर सॉरी टू इंटरप्ट, दो तीन लोगों का सवाल हैंड रेज हुए, सवाल ले ले दो तीन हैंड रेज। जी अदील आपका हैंड रेज है, आप सवाल पूछें, एक तो वो हैंड और रेज हुए हैं। जी विकास भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये नुमान भाई जो बता रहे थे वो तीन चार जो उन्होंने वो पॉइंट पॉइंट लिखे हुए थे एसक्यूएल इंजेक्शन और वो बाकी, जैसे पहले आप बता रहे थे कि बीमारियों के नाम हम जो आसान लफ्जों में बात कर रहे थे, तो ये वही बीमारियाँ ही हैं जिनकी बात हो रही थी पहले? जी 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 बिल्कुल, आप सही जगह पहुँचे हैं। ये बीमारियों के नाम है, इनको इनकी टेक्निकल जबान में वल्नरेबिलिटीज कहते हैं या बग्स कहते हैं, और आसान जबान में ये बीमारी है इनकी, ठीक है ना? यहाँ पे वेबसाइट का जो बुखार है वो सीक्वल इंजेक्शन है, वेबसाइट का जो नज़ला है वो डायरेक्टेड रिवर्सल है, वेबसाइट और कौन सी बीमारी होती है, मतलब बस आप आगे खुद ही कोरिलेट कर लें। अब सवाल पूरा करें, और वो जो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बता रहे थे नुमान भी, मुझे उसके बारे में समझ नहीं आई, मैं बात करना चाह रहा था पर वो आगे। हेलो जी 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 नुमान भी, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये जो अभी अभी जी इसके बारे में आप जरा मुझे थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है? जी जी ये थोड़ी सी है जो जैसे कि सर ने आपको बताया था कि आपको सर मेहरान वालों ने सिविक वालों ने लॉक तो दे दिए गाड़ी के अंदर, बट आप लॉक लगा के नहीं जाते, वो मिसकन्फिगरेशन होती हैं, ठीक है ना? वो आपके ऊपर होता है, आपने उसको सही तरह कन्फिगर नहीं किया, उसको आप सिक्योरिटी के लिहाज से आपने उस तरह उसकी सेटिंग सेट नहीं की, ठीक है ना? ये वो कुछ सेटिंग्स होती हैं जो आपने सही से यानी कुछ कन्फिगरेशन होती हैं जो आपने सही से दी लगाई हुई, वो ये वही वाली एग्जांपल है जो सर ने दी थी आपको कि गाड़ी वालों ने आपको गाड़ी में लॉक तो दिया बट वो अब आपके ऊपर एक लॉक आपने लगाना होता है, आपने लॉक नहीं लगाया तो ये आपके ऊपर होता है, ठीक है ना? ये उन्हीं में से कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि आपको
वेबसाइट पे आप जाते हैं, वेबसाइट वालों ने आपको पासवर्ड लगाने की वो दी भी है कि आप पासवर्ड रख सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है कि आप उसका कितना स्ट्रॉन्ग, कितना कॉम्प्लेक्स, कितना मुश्किल पासवर्ड रखते हैं, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होते हैं, जैसे कि अदील भाई आपने भी देखा होगा कि आप कभी राउटर होता है आपका, आप उसकी सेटिंग में जाएं तो उनको आपके ना राउटर के पीछे उसका पासवर्ड होता है। जी जी नुमान भाई, मैं ये बाकी ये भी समझ गया ये बात। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यह कि ये जो वेब एप्लीकेशन है, ये जो जिस पर हम बात कर रहे हैं, इसके सिर्फ ये चार स्टेप ही होते हैं जिनको नोट करना होता है, या इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टेप्स हैं? इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं जी अदिल भाई, इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये अभी कुछ बेसिक बेसिक जो ज़्यादातर आते हैं ना इश्यूज, जब वो मैंने लिखे हुए हैं, इसके अलावा वैसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो वो अब हमें उनके बारे में कैसे पता चलेगा? देखिए अदिल भाई, ये हमेशा आपने याद रखना है कि देखे जो काफ़ी इस तरह होगा, आप देखेंगे भी कि आपको ना उन्होंने ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे कि आपने ना आपने बेसिक जो है ना वो आपने माइंड में रखना है कि बेसिक क्या है, बेसिक इसकी डेफिनेशन क्या है या इसका क्या मतलब है। बेसिक जैसे कि सर ने सिंपल अल्फाज में बताया है कि आपको लॉक तो दे दिया, अब आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसी तरह बहुत सारे आगे आप देखेंगे कि वेबसाइट में आपको उन्होंने फंक्शनैलिटी दी भी होगी कि आप इसको सिक्योर रखने के लिए आप इसकी ये वाली सेटिंग ऑन रखें, या आप इसको सिक्योर रखने के लिए इसकी ये वाली सेटिंग ऑफ रखें। तो अगर आपने उन सेटिंग्स को सही तरह नहीं ना एड्रेस किया, यानी आप वो सही वो वाली सेटिंग आप सही तरह नहीं यूज़ कर रहे, तो वो मिसकॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगी। आगे आप देखेंगे, ये तो ज़्यादातर जो आती है ना, जो ज़्यादातर इश्यूज आते हैं, तो वो मैंने लिस्ट ऑन या कुछ यहाँ पे लिख दिया। सर जी 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 सर, तो यानी कि जो मिसकन्फिगरेशन होती है वो यूज़र के एंड से होती है, यानी कि मेरे और आपके एंड से हो सकती है, और जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं वो गूगल और फेसबुक की साइड से हो सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। और एक और चीज़ भी पूछनी थी कि जो वल्नरेबिलिटीज आपने बताया था कि वो प्रोग्रामिंग में होती है, और जो बंदा वेबसाइट बना रहा होता है या ऐप बना रहा होता है उसके एंड से होती है, और वो प्रोग्रामर की साइड पे होती है। तो जो एथिकल हैकर हैं, जैसे कि आप लोग हमें जो चीज़ सिखा रहे हैं एथिकल हैकिंग, वो ये करते हैं कि वो उन बग्स को जो और जो वल्नरेबिलिटीज होती है उनको ब्रेक करते हैं, और फिर उनको कंपनी को बताते हैं, और वो फिर कंपनी जो है वो प्रोग्रामर्स जिन्होंने ऐप बनाई होती है उनको कॉन्टैक्ट करके उसको सही करती है, या इनके जो बग्स बीच में होते हैं जिसको हमने क्रैक कर लिया, यानी कि जिसको हमने भी क्रैक कर लिया उसको प्रॉपर हैक उसको क्रैक कर सकते हैं। तो हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शन का डेमो लेने जा रहे हैं। तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है कि आपके पास कोई सी डाटा से निकालते हैं, तो हम यहाँ पे अगर सिर्फ सिंपल डालें वन यूज़र आईडी डालें तो हमें ये दे देता है, ठीक है। अगर हम इसको इसका पेलोड होता है आप देख रहे हैं आगे आप बनाएंगे, तो अगर आप ये कुछ यानी आप अलग अलग तरीके होते हैं, अगर आपने हैकिंग की तरह आप हैकर्स की तरह सोचेंगे, आप गलत इनपुट यानी आप इस तरह के इनपुट को डालेंगे, तो ये आप देखेंगे उसने डेटाबेस से जितने भी नए यूज़र्स थे उन सब का डाटा उठा के हमें शो करा दिए, ठीक है। तो ये आगे हम देखेंगे भी कि हम इनको और किस तरह हम इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, इसको हम एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं। हम अगली वल्नरेबिलिटी के ऊपर आते हैं, वो है एक्सेसेस, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा है कि आप अपना ना नाम लिख दें, तो हम यहाँ पे जैसे मेरा नाम है नुमान, तो मैं यहाँ पे नुमान लिख देता हूँ। तो अगर मैं सबमिट करूँ तो ये कह रहा है हेलो नुमान, ठीक है। अगर आप एक हैकर की तरह सोचें, तो अगर आप यहाँ पे इस तरह की इनपुट डालते हैं, तो अगर किसी प्रोग्रामर ने उसको सही तरह हैंडल नहीं किया हुआ, तो ये देखें ये भी तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हैक लिखा आ रहा है, बट इससे आप बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। तो ये हम ये जो सिर्फ छोटे छोटे आपको डेमो दिखा रहा हूँ, बट आगे हम देखेंगे कि जब हम इनके ऊपर जाएंगे इन वल्नरेबिलिटीज़ के ऊपर वन बाय वन करके, तो उससे हम क्या इससे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम सिर्फ एक और आगे हम डेमो देखते हैं। ये वल्नरेबिलिटी होती है, हम इसको कहते हैं कमांड इंजेक्शन, कमांड इंजेक्शन एक और वल्नरेबिलिटी, एक और बग है, ठीक है, एक और बीमारी है, ठीक है। अब इसने कहा है कि एंटर आईपी
इसको ना ये फ्री एक सर्विस है किसी वेबसाइट के ऊपर समझें कि जो आपको ना फ्री में पिंग करने दे रही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कोई डाल देते हैं, मैं अपनी इसका जी जी सर DBWA DBWA ये आपकी एक एप्लीकेशन है जो कि ना पहले से ना जान के वर्नेबल बनाई गई, जिनके इसके अंदर ये मसले रखेंगे ताकि आप जैसे या मेरे जैसे जो आप ये सीखना चाह रहे हैं तो हम इसको किस तरह हम इसको इंस्टॉल करके अपने पास इसके ऊपर अपने ना स्किल्स हम इसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, हम इसको हैक कर सकते हैं, हम इसके ऊपर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा के ना अपने स्किल्स और इम्प्रूव कर सकते हैं। आप सबसे पहले अभी मैंने ये बिल्कुल लो पे रख के आप लोगों को सिर्फ डेमो देने के लिए रखा हुआ है, तो ये आराम से हो रहा है। अगर हम इसके डिफ़िकल्टी लेवल हाई कर देंगे तो ये फिर उसी तरह मुश्किल होता जाता है। तो आप इसके ऊपर अपनी स्किल्स जो है ना वो अपनी स्किल्स इसके ऊपर इन्हेंस कर सकते हैं, इसकी अपनी स्किल इसके ऊपर सही कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, हम अगले कल के सेशन पे मोस्ट लाइकली हम आपको ये इंस्टॉल करना भी बताऊँगा। तो अभी हम देखते हैं आगे, ठीक है ना। सही है, ये हम मेरे इसी पे होस्ट हुई है मेरे लैपटॉप के ऊपर, तो इसके बारे में आपको कल मैं बताऊंगा। इसके अंदर ना इन्होंने पहले से ही मसले खुद जान के रखे हुए हैं, ठीक है ना, ताकि आप जैसे मेरे जैसे आकर ना इसमें से मसले निकालें और उनको यानी आप इस पे प्ले कर सकते हैं, आप इस पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अधीर भाई समझ आई बात आपको? जी 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 नवाज भाई आगे बिल्कुल आगे बिल्कुल आगे। ये देखे वो जो मैंने मसले लिखे हुए थे ना वो ये साइड पे सारे आ रहे हैं, हम सारे ना इधर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ताकि हम अपने जो स्किल्स हैं वो हम इन्हेंस कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये जो है ना ये उन्होंने एक डेमो दिया हुआ है यहाँ पे पिंग के लिए कि एक वेबसाइट है समझो, वो आपको फ्री डेमो को फ्री पिंग के लिए आपको एक उसने इंटरफेस दिया हुआ है कि आप वहाँ पर जाकर ना किसी भी वेबसाइट को पिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेशक मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं गूगल को भी कर सकता हूँ, google.com को हम अगर पिंग करेंगे तो उसका भी रिजल्ट आ जाता है हमारे पास, ये लोड हो जाए। देखिए ये गूगल का पिंग का रिजल्ट आ गया, ठीक है ना, हम किसी को भी पिंग कर सकते हैं। अगर मैं इसके साथ वही बात है, ये सारी मेंटेलिटी की बात होती है, अगर हम हैकर्स की तरह सोचेंगे ना तो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर आपको फिर ना आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि इसके अलावा भी मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या इनपुट दे सकता हूँ। उसने मांगा तो मेरे से एक वेबसाइट है, अगर मैं कुछ और डालूँ तो क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी इनपुट चेंज करता हूँ तो ये देखें उसने ना एक और कमांड भी इसने यहाँ पे रन कर देनी, ये एक और उसने कमांड भी रन कर दी है। ये मैंने असल में ना दो कमांड रन किए हैं, ये इसको कमांड इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ये आगे जाके इसका भी मैं आपको सही तरह बताऊँगा, अभी ये सिर्फ डेमो हो रहा है, ठीक है ना। अभी आप बहुत से लोगों को इसमें से चीज़ें समझ नहीं आएंगे, बट ना ये सारी जितनी वर्नेबिलिटीज़ बताई है ना ये रियल वर्ल्ड वर्नेबिलिटीज़ हैं, ये सिर्फ इधर इसलिए दिखाई गई है कि यहाँ पे हम एथिकली यहाँ पे बिना किसी इशू के हम यहाँ पे आपको डेमो करा सकते हैं तो हम ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। वरना ये जितनी भी आपके पास वर्नेबिलिटीज़ आ रही हैं, जितने भी बग्स आ रहे हैं ना, ये सारे रियल वर्ल्ड हैं, ठीक है ना। तो ये हमने मैंने अभी आपको जो दिखाया है ये है, इसको कहते हैं कमांड इंजेक्शन, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा नमन भाई जी काइंडली ये बता देना, जो आप पिंग कह रहे थे ये पिंग ऐसी होती क्या? पिंग मैंने आपको बताया था कि आप अगर किसी भी अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलें तो उधर जाके अगर आप लिखें कमांड पिंग और किसी भी वेबसाइट का नाम लिखें, जैसे मैं लिखता हूँ google.com, सही है। तो अगर ये कमांड गलत होगी पिंग, तो ये हमें बताता है कि ये वेबसाइट अप कह रही है। देखिए ये मैंने पिंग किया है ये google.com को, आगे उसका आईपी आ गया है और ये हमें बता रहा होता है अगर आपका इंटरनेट चल रहा है, आपकी ये ना कनेक्टिविटी बताता है कि ये वेबसाइट अप है या नहीं, ये कमांड ये बताती है, सही है। ये आपके विंडोज़ लिनक्स ये सब उसके लिए कमांड है। तो ये मैं तो लिनक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने इधर चलाई है तो चल रही है, तो आप लोगों के विंडोज़ पे भी ये चलेगी। आप उधर साइट पे इस साइट पे सर्च करके आ रहा होता है, वहाँ पे आप लिखेंगे cmd, वो कमांड प्रॉम्प्ट उसको एंटर करके ओपन होगा, आप पे कमांड बेशक लिखे तो आ जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं
अच्छा, आपका मतलब ये है कि ये एक तो आईपी एड्रेस शो करता है, दूसरा ये बताता है कि वेबसाइट अलाइव है या नहीं है, राइट? जी जी बिल्कुल, ओके आपसे ओके कह रही थी। अच्छा तो ये आज के ये डेमोस है कुछ, तो हम इसके ऊपर बस यहाँ पे हमारे डेमो एंड होते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, बाकी कल का लेक्चर होगा यहाँ पे, अभी एंड जो है वो सर बताएंगे हमें, एंड अगला जो हमारा डेमो अगले जो लेक्चर होगा उसके बारे में हमें सर बताएंगे, और थोड़ी सी एंडिंग वो सर के ऊपर हम करते हैं। आई थिंक अब सेशन हम कंक्लूड करते हैं और कल ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, सेशन लंबा हो गया, कल कोशिश करेंगे घंटा सवा घंटे में कवर करें, और सही है, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब होपफुली आप सबको अच्छा लगा होगा, होपफुली आपको फ़ायदा हुआ होगा, होपफुली आपको समझ आई होगी, और कोशिश यही है कि आपको अर्निंग स्टॉप तक छोड़ के हैं जहाँ पे आप कुछ कमाने के काबिल हो गए, तो इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग, इंशाल्लाह लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह सी यू टुमारो और टेक केयर, क्या कहते हैं इंग्लिश में, बाय बाय सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़ सर।